मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में मोर सिंह राठौर ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर बताया कि 27 नवंबर को आज़ाद मैदान में मुंबई के आज़ाद मैदान में भारतीय बहुजन क्रांति दल और भारतीय बंजारा क्रांति दल के संयुक्त तत्वाधान में बहुजन व बंजारा समाज की विभिन्न मांगों को लेकर आरक्षण बचाओ आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रमुख रूप से बंजारा समाज की मांगे हैं कि उनके विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुनकर आए और लोकसभा में उनके समाज से कम 10 से 15 लोग चुनकर सांसद बनकर जाएं ताकि उनकी मांगों पर वह आवाज़ उठा सके। इस प्रकार की जानकारी उन्होंने दी। पेश है खास रिपोर्ट। देखो, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अपना 27 तारीख को आज़ाद मैदान में एक आयोजन मेला अपन मेला वाल लिया है, यानी एक रैली ली है। तो उसमें अपन प्रश्न गवर्नमेंट को ये पूछ रहे हैं कि STSC के सर्विस वाले जो लोग हैं अपने, इनके सर्विस के जो स्टे आया है घटनात्मक, तुम लोगों ने हमको अधिकार दिया है इन लोगों को या बहुजन, तो फिर इनके स्टे के ऊपर जो स्टे आया है सर्विस के ऊपर, इनका प्रमोशन रुक चुका है या प्रमोशन जो होगा हुआ है वो लोग रिवर्स आ जाएंगे। जो DCP बना है वो ACP के ऊपर आ गया, जो ACP रहे वो हवलदार हो जाएगा, तो कैसा होएगा? तो इन लोगों के ऊपर अत्याचार अन्याय हो जाएगा, तो इनको इधर तो भी न्याय मिलना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो तो अच्छे से अच्छे वकील खड़ा करो कि जो यहाँ पे अपने को न्याय, अपना हाई कोर्ट ने अपने को आदेश दिया है कि इनको आगे प्रमोशन के ऊपर स्टे लेके आओ, तो वहाँ पे उसका वो निकाल लगेगा तो अच्छी तरह से लगेगा। अगर अच्छा वकील वहाँ पे खड़ा करेगी अपन, तो वो हो सकता है इनको न्याय मिलेगा। आपकी पार्टी जो है आगे इस मुद्दे को लेकर किस तरह से आंदोलन प्रदर्शन करेगी, न्याय दिलाएगी आपके समाज? देखो, अभी कोर्ट का आदेश है, इसके लिए तो अपन आंदोलन नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लोग आगे करेंगे कि एकाधि हमारे तरफ से भी कोई अच्छा वकील रहेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करेंगे कि ताकि इनको न्याय मिल सके, SC ST लोगों को न्याय मिल सके। इसके लिए हम भी एकाधि वकील अच्छा हमारे तरफ से अच्छा वकील खड़ा करेंगे। देखो, जो अच्छा कार्यकर्ता है, जिसको जिसके ऊपर कोई केसेस नहीं रहेगा या अच्छा काम करना चाहता है, कुछ तो समाज के लिए उसको दायित्व है कि वो उसका ऋण फेड़ना चाहता है, वैसे लोगों को हम टिकट देंगे महाराष्ट्र। इसके पहले कई नेता आपके समाज से चुन के मंत्री बने, विधायक बने, महापौर बने, लेकिन वो समाज का कार्य नहीं करते, उस स्थान पर पहुँचते, क्या जरूर ये लोग नहीं करते बोलेगा तो क्या होता है? कोई लोग, सभी लोग अच्छे नहीं है, उसमें से कुछ लोग है अच्छे जो काम करते, मगर क्या होता है कुछ लोगों के लिए कुछ लोग बदनाम हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, कई लोग जो होते हैं, कोई पक्ष जो है इनका, जब ये काम करता है तो पक्ष का वो लोगों से कोई लेन देन नहीं था, वो बोलते पक्ष जब बोलेगा यानी बोलने को लगाएगा तो ये लोग बोलेंगे, पक्ष बोलेगा ये काम कर तो ही वो काम करेंगे, ऐसा इनके ऊपर एक गले में पट्टा बांधा है। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि वो पट्टे को देख के काम करते हैं, नहीं तो इनका काम होता नहीं है। हम यही महाराष्ट्र शासन को दिखाना चाहते हैं कि बहुजन अभी एक हो चुका है, बहुजन अभी जागरूक हो चुका है, तुम बहुजन को एड़ा मत बनाओ, क्योंकि आज जो लोग तुम लोग आश्वासन देते हो ऐसा बना देंगे वैसा कर देंगे, ये आश्वासन अभी बंद करो, अभी फिलहाल तुम वर्किंग के ऊपर ध्यान दो, काम करो कि जो काम हो सके। अगर तुम लोगों ने काम किया तो हमको मोर्चे निकालने की जरूरत क्या है, हमको मेला लेने की जरूरत क्या है, काम करो।